नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। मैं जावेद अंसारी। इन दिनों कोरोना काल चल रहा है, लोग अपने अपने घरों में हैं, नई नई डिशें बना के खा रहे हैं और लोगों को खिलाने का मौका हालांकि उनको नहीं मिल पा रहा है, इसलिए वो अपने परिवार के साथ ही उसको खा रहे हैं। हम एक बार फिर से विंध की एक नई डिश की तलाश में फूड एंड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट आ गए हैं। हमारे साथ वहाँ के प्रिंसिपल साहब मौजूद हैं, हम उनसे ही पूछेंगे आज सर आज क्या कुछ खास खिलाने जा रहे हैं और विंध के दर्शकों को क्या बनाना आप सिखाएंगे। रीवा वासी हूँ मैं, फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट का प्रिंसिपल। मेरी तरफ से आपको बहुत सारी इस नवरात्रि की शुभकामनाएँ। जब हम नवरात्रि की बात करते हैं तो बड़े बड़े व्यंजन भी उपवास के साथ तो होते ही है, मगर कभी ना कभी ऐसा मौका मिलता है तो विंध्य के व्यंजनों को हमने ट्राई करना चाहिए। और आज हम आपको प्रस्तुत करने जा रहे हैं यहाँ की बहुत ही मशहूर जो दाल पूड़ी कहा जाता है, तो ये दाल पूड़ी आज हम बनाएंगे। आज हमारे इस इंस्टीट्यूट के किचन में ये प्रिपरेशन हम आपको लाइव दिखा देंगे। दाल पूड़ी, नवरात्र में दाल पूड़ी खाने का एक अलग ही मज़ा है। तो सीधे इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म करते हैं और आपको लेकर चलते हैं सीधे फूड एंड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट के किचन में और दिखाते हैं वहां पर किस तरीके से दाल पूरी बनाई जा रही है। हम मौजूद हैं फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट के किचन के अंदर। जैसा कि देख रहे हैं यहां पर हमारे साथ सैफ सागर मौजूद हैं। सैफ सागर जी, आपके किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। जैसा कि प्रिंसिपल साहब ने बताया है कि आज आप विंध की एक फिर से एक बेहतरीन डिश दाल की पूरी बनाने जा रहे हैं, जिसको पूरन पूरी भी कहते हैं। नवरात्रि का मौका है, वैसे भी इस समय खान पान में बड़ा संयमित रहते हैं। तो ये बताइए हमारे दर्शकों को कि पूरन पूरी में डालते क्या क्या हैं, क्या क्या आपने यहाँ पर आज अपने टेबल में सजा के रखा है, जरा ये बताइए ये है क्या। जैसा कि विंध के सभी लोग जानते हैं कि पूरन पूरी हर घर में बनाई जाती है और ये यहाँ की विंध की खास के रीवा की फेमस डिश है, तो उसमें आज हम आपको बनाना, जिन लोगों को नहीं मालूम है वो हम बताएँगे। उसके लिए हमको सबसे पहले चाहिए ये चना की दाल है, जो हमने साबुत चने की दाल ले लिया है। आटा लिया है हमने, ये है धनिया पाउडर, ये है हल्दी पाउडर, ये है भुना हुआ जीरा पाउडर। तलने के लिए हमने तेल लिया है, आप चाहें तो घी से भी तल सकते हैं। मसाले में डालने के लिए हमने हींग लिया है और ये है हरी मिर्च, हमने बारीक फाइन चॉप कर लिया है। डालने के लिए टेस्ट के अनुसार ये नमक है, ठीक। और ये हमारा लाल मिर्च पाउडर और ये है सभी मिक्स गरम मसाले। और उसके बाद पूरन पूड़ी के साथ साथ हम सूखा पूरन पूड़ी तो खाएँगे नहीं, उसके साथ हमें कुछ न कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके साथ हमारे यहाँ क्या चलता है, गुराम। गुराम बनाने के लिए हमने ये आम का पल्प निकाल के ले लिया है, हमने आम का पल्प पहले से निकाल के रख लिया है, आम का पल्प लिया है। नमक तो आप डाल ही लेंगे स्वाद के अनुसार। और ये आटा से हम गुराम बनाएंगे और गुड़ लिए हैं। गुराम बनाने के लिए आटा, गुड़ और आम का पल्प की ज़रूरत पड़ेगी। एक बड़ी ज़रूरी चीज़, जिसको एक बड़ी ज़रूरी टिप्स भी आप कह सकते हैं, जैसा कि आपको मालूम है अक्टूबर नवंबर का मौका है, इस दौरान आम नहीं होता, तो आम को पल्प बनाने के लिए सैफ सागर ने क्या किया था मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि आप लोग को मालूम है, आप लोग अपने अपने विंध में तमाम घरों में अमावट बनाई जाती है, आम के रस को सुखा के अमावट बनाई जाती है। उस सूखी हुई अमावट को पानी में इन्होंने भिगा के रखा, उसको स्मैश करके उसको जो बनाया वो आप अपने टीवी स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं। इसी को कहते हैं जो अभी आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये आम की जो अमावट थी उसको पानी में भिगाने के बाद स्मैश करने के बाद जो तैयार हुआ उसी से आज ये डिश बनेगी। अब हम सबसे पहले बनाने के लिए क्या करेंगे कि ये दाल को हम कुकर में डाल के और थोड़ी सी पानी डाल के हम इसे उबालेंगे और दो सीटी आने तक हम इसमें दाल को डालेंगे और नॉर्मल पानी डाल के हम इसे 2 से 3 सीटी तक लगाएंगे और इसमें 2 से 3 सीटी तक मारेंगे। इसके बाद हम स्टेन करके और दाल को ग्राइंड करेंगे। अभी हम आपको दाल ग्राइंड करके दिखाएंगे, इसमें थोड़ा सीटी लग जाए। अब ये दाल हमारी पूरी तरह से उबल गई थी, हमने इसे स्टेन कर लिया है। दाल हमारी उबलने के बाद हमने इसे स्टेन कर लिया, इसका पानी पूरा झर गया है। अब हम इसे क्या करेंगे, एक जार में पलटी करके और इसे ग्राइंड करेंगे, फिर मसाले मिलाएंगे। अभी हम मिक्सर में आपको ग्राइंड करके दिखाते हैं।
बढ़िया इतनी मस्त दाल पिस चुकी है, हम इसे एक बार और और हमारी दाल पूरी तरह से पिस गई है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल के और अभी हम मसाला मिलाने वाले हैं, एक प्लेट में अभी निकालेंगे। ये हम सारा दाल हमने पीस लिया है, अब हम इसे ऐड करेंगे जो इसमें पड़ते हैं मसाले, क्योंकि ये हमारा पूड़ी का स्टफिंग है। अब हम इसमें मसाले, ये हमने एकदम फाइनली चॉप कर दिया था हरी मिर्च, इसे हम डालेंगे। आप अपने हिसाब से डालें, जितना आपको खाना हो उस हिसाब से मिर्ची डालें। और ये है हमारा लाल मिर्च पाउडर, ये है मिक्स गर्म मसाले पाउडर, और ये है हमारा धनिया पाउडर। थोड़ा सा मिलाएंगे हल्दी पाउडर, और ये है भुना हुआ जीरा, इसे मिलाएंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा स्टफिंग रेडी है। अब हम लगाएंगे आटे का डो। क्या करेंगे कि हम नॉर्मल रोटी की तरह एक गोली बनाएंगे, और इस जो ये पूरन है इसे हम स्टफिंग करेंगे। बड़ा रखेंगे, रोटी से थोड़ा बड़ा रखेंगे नॉर्मल से, और अब इसे हम सेक लेंगे। शेफ सागर ने कितनी खूबसूरती से आटे को गूंथा, चने की दाल को उबाला, तमाम तरीके के मसाले उसमें मिलाए, उसके बाद उन्होंने स्टफिंग मेरे सामने आप देख रहे हैं, ये स्टफिंग भर के आटे में स्टफिंग भर के पराठा बिल्कुल सिकने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ एक पराठा तवे में पड़ा हुआ है। इसका सीधा सा मतलब है पूरन पूरी का एक पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम चलेंगे धीरे से दूसरे पार्ट की ओर। अब हम ये देखेंगे अभी सैफ ने जो आम को भिगा के रखा था उसको किस तरीके से वो प्रिपेयर करने जा रहे हैं। मेरी पूरी थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, ये पहली बार मैंने कोशिश की, और मैं आपको बताऊं जब मैं दोबारा पूरी बनाऊंगा तो निश्चित रूप से वो पूरी, और एक चीज तो आपने देखी नहीं मैंने बढ़िया तरीके से। पूड़ियाँ तैयार हो चुकी हैं, अब मौका है गुड़ाम बनाने का, तो गुड़ाम बनाने की प्रक्रिया स्टेप सागर स्टार्ट करिए। गुड़ाम हम बनाने के लिए गैस ऑन किए, पैन चढ़ाए, अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, चाहे तो आप घी भी डाल सकते हैं। 2 टेबल स्पून हमने डाला ऑयल, इसे हल्का गर्म हो जाने देंगे, और हमारा ये ऑयल गर्म हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे हल्का सा आटा, और इसे अच्छे से भूनेंगे। मीडियम आंच पे इसको आराम से भूनेंगे। जब ये हमारा आटा अच्छे से भून जाएगा तब हम ये रखे हैं आम का पल्प बना के, जैसा कि आपको हम पहले से ही दिखाए हैं, आम का पल्प बना के हम रखे हैं, उसको हम इसमें ऐड करेंगे। अभी आपके सामने मैं ऐड करके दिखाऊंगा। ये आटा हमारा ब्राउन कलर का भून चुका है, अब हम इसमें डालेंगे आम का पल्प।
जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा आम का पल्प है, और इसे एकदम मीडियम आंच पे हल्का हल्का चलाते जाएंगे और पकाते जाएंगे ताकि इसके जो लम्स हैं पूरी तरह से टूट जाएं। सैफ एक यहाँ सवाल ये है कि जो आपने आटा डाला, आटा क्यों डाला? आटा इसलिए डाला क्योंकि आटा और जिसका आम का पल्प का जो मिश्रण है, भुना हुआ आटा जैसे हमने पहले डाल के भून दिया, और आटा भुना हुआ आटा और आम का पल्प का जो मिश्रण है एक बहुत ही यूनिक फ्लेवर आता है। और इसके बाद ही हम जैसे ही हमारा ये थोड़ा सा पक जाएगा उसके बाद हम आपके सामने डाल के दिखाएंगे गुड़। ये एक इम्पॉर्टेंट बात सैफ सागर ने बताई, आम के रस में भुने आटे का जो फ्लेवर होता है मिक्सचर के बाद, जो उसको भूनने के बाद जो एक फ्लेवर आता है, उस फ्लेवर का एक अपने आप में भी ही कोई जवाब नहीं होता, कहा जा सकता है वो एक लाजवाब फ्लेवर होता है। अभी हमारे लम्स पूरे मिल गए हैं, उसमें कोई भी लम्स नहीं। अब हम इसमें ऐड करेंगे गुड़, कूटा हुआ गुड़ पहले से ही हमने रख लिया था, उसे ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाएंगे। पूरन पूड़ी बन चुकी है, गुड़ाम पकने के अंतिम दौर पर है, कहा जा सकता है पूरन पूड़ी और गुड़ाम लगभग बन के तैयार हो गया है। अब हम रुक करेंगे रेस्टोरेंट की ओर, फूड क्राफ्ट के रेस्टोरेंट में चलेंगे और इसको देखेंगे सागर साहब एक बार फिर से पास हुए या फेल हो गए। हम इस समय मौजूद हैं सेंट्रल किचन में, फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट के सेंट्रल किचन में हम लोग मौजूद हैं। यहाँ पर एक टेबल रखा हुआ है, टेबल पर मैं पिछले कई बार से लगातार यहाँ पर आता हूँ और हमेशा देखता हूँ कांटा मेरे बाएं हाथ की ओर होता है। इस टेबल को सजाने के क्या नियम हैं जो कि किसी भी 3 स्टार 5 स्टार 7 स्टार होटल में ये व्यवस्था होती, हर जगह हमको कांटा जो होता है बाएं हाथ पर ही मिलता है, क्यों और टेबल के क्या नियम है इसको जानने के लिए एक बार हम प्रिंसिपल साहब की ओर फिर से रुक करेंगे। सर हमको ये बताइए, पहले तो ये मास्क थोड़ा सा, कोरोना काल जरूर चल रहा है लेकिन मास्क प्लीज़ थोड़ा सा, जैसे आवाज़ दर्शकों को क्लियर आए, और टेबल के एटिकेट के बारे में ज़रा बताइए। धन्यवाद, ये बहुत खुशी की बात है कि आपने टेबल एटिकेट्स और टेबल मैनर्स और लेइंग मैनर्स के बारे में जानने के लिए चाहा। सबसे अगर मैं ये कहूँ कि खाना बनाना भले एक आर्ट हो मगर खाना परोसना भी एक आर्ट है। अब ये परोसा जाता है बहुत अच्छा, सबसे पहले तो आपको चेयरिंग स्माइल चाहिए, आप हंसमुख हमेशा होना चाहिए। अब हंसमुख होने के साथ साथ ही हम उसे गेस्ट्स को टेबल पर लेके जाते हैं, टेबल पर लेके जाते हैं तो आराम से कुर्सी पीछे खींचे, फिर नी से पुश करें, कंफर्टेबली करें, और कंफर्टेबली करने के बाद ये जो सेटअप किया जाता है इसके बारे में मैं आपको बोल दूँ। जो हमेशा यूज़ होने वाली कटलरी है जैसे नाइफ है, स्पून है, अब ये देख लीजिए, ये जो है ये कटिंग नाइफ है जिसे हम बटर नाइफ बोलेंगे, ये कटिंग नाइफ है। ये जो नाइफ है ये राइट हैंड साइड में लगा हुआ है, आइए मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। तो इस बात में जावेद भाई से निवेदन करूँगा कि आज हमारे वो गेस्ट बन जाएं। अब मैंने इनको बिठा दिया, बैठते समय मैं इनको कम्फर्ट पता कर लिया, और ये देखते हुए कि राइट हैंड साइड में आप देख रहे होंगे कि ये जो पूरा कटलरी और क्रॉकरी लगी हुई है इसे कवर बोला जाता है, जो यूजुअली 14 इंच की दूरी होती है और 24 इंच की हाइट होती है। और ये होते हुए दाहिनी हाथ को जो फ्रिक्वेंट यूजिंग कटलरी है वो लगाई जाती है। अब ये लगाने के बाद जो दूसरी साइड में हम देखते हैं, ये साइड प्लेट हैं, ये साइड फोर्क हैं, ये डेजर्ट गियर है जिसमें कि एक डेजर्ट स्पून, डेजर्ट फोर्क, ये नाइफ और एक स्पून। अब पानी जैसे सीट कर लिया, हम इसको फिर नैपकिन से इनका ये करेंगे ताकि जो खाने के फूड्स हैं ये सब हैं ये कहीं गिरेंगे नहीं। दूसरा होता है हमने पानी सर्व कर लिया, पानी सर्व करने के बाद फिर हम अभी प्लेट्स लेकर आएंगे, प्लेट्स के साथ उसके पहले जो मेन्यू कार्ड देना है वो सारी प्रक्रियाएं यहाँ हम पूरी कर लेंगे। तो देखा आपने, एक बड़ा सवाल था, कई लोगों ने मुझसे कहा था इस सवाल को कभी फूड क्राफ्ट में जाइएगा तो जरूर पूछिएगा, नाइफ
बाईं ओर ही क्यों? एक सीधा सा सवाल है और सीधा सा जवाब था कि जिन हाथ पर जिन चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा होता है उसको हमेशा दाईं ओर रखा जाता है, जिन चीज़ों का इस्तेमाल कम होता है उनको हमेशा बाईं ओर रखा जाता है। एक छोटा सा सवाल था और जिसको देखकर लोग आश्चर्यचकित होते थे कि हमेशा बाएं हाथ पर ही क्यों। एक जवाब मिल गया, सीधा सा जवाब मिला और ये जवाब आपके बहुत काम आएगा कि हमेशा इस्तेमाल होने वाला सामान जिनको ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं जैसे पानी का ग्लास वो भी आपके दाईं ओर मिलेगा, जिनको इस्तेमाल कम होता है वो बाईं ओर मिलेगा। इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म। विंध्य की एक दूसरी प्रसिद्ध डिश फूड एंड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट में बनकर तैयार। अब मौका है या यूँ कहें वक्त है प्रिंसिपल साहब के साथ बैठ कर उस डिश का आनंद लेने का और यह बताने का सैफ सागर पास या फिर। तो पिछली बार मौका आपने हमको दिया था, इस बार मैं आपके इंस्टीट्यूट की डिश आपके ही द्वारा जानना चाहूँगा कैसे बनी है, ज़रा हमको चख के बताइए। बहुत बढ़िया, ये बहुत विंध्य का एक यूनिक प्रिपरेशन है और इस यूनिक प्रिपरेशन पर कई लोग इसको काफ़ी चाव से खाते हैं। हमारा भी यही प्रयास है कि यह डिश ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलर हो। मैं अभी इसकी एग्जैक्टली फूड टेस्टिंग कर रहा हूँ, ये खा रहा हूँ इसके साथ और वाह, मेरे पास शब्द नहीं है, बेहतरीन। मेरे पास शब्द नहीं है, बेहतरीन। प्रिंसिपल भी आप हैं, डिश भी आपकी है, तो नेचुरली इनका ये कहना जायज है। असली परीक्षा तो सैफ सागर की अब होगी जब उस डिश को मैं चखूंगा। सैफ सागर जी सर, पहले तो ये बताइए ये डिश आपने बनाना सीखी कहाँ से? मम्मी से। जब कोई डिश माँ बनाना सिखाती है तो निश्चित रूप से उस डिश का कोई भी तोड़ नहीं होता, लाजवाब। इसके अलावा इसके बारे में कुछ नहीं बोला जा सकता। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। अपने मेजबान जीशान जावेद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।